सेब को लेकर संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान का बयान भी सामने आया। हरीश चौहान ने सरकार से मांग की कि तुरंत इस समस्या का समाधान निकाला जाए। पहले भी फंगस आती रही है, मार्सिनोन आती है, अल्टरनेरिया आती है और क्लोरोटिक जो वायरसेस है वो डिफरेंट तरह के हैं, मोजैक है, बहुत सारे वायरसेस भी है जो कुछ मात्रा में कई जगह पाए गए हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि कहीं हम लोगों ने जो है ये जो हम एक मौसम की बेरुखी के साथ साथ हमने कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी करनी शुरू की है कि हमने जो दवाइयां हैं वो हाई रेसिड्यू की शुरू की है आस्ते आस्ते, और उसके साथ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स किए हैं, साथ में हमने मिक्सचर्स बहुत सारे करने शुरू किए हैं। कहीं हमारी जो सेब बागान की जो सेब के पौधे की प्रतिरोधक क्षमता थी उसको भी कहीं ख़त्म तो नहीं कर दिया। और हमारा मानना एक और है कि जल्द से जल्द सरकार, डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी और हम सब बागवान मिलकर इसका समाधान निकालने के लिए कोई प्रयत्न करें। कहीं मौसम की जो ये बेरुखी है, पिछले वर्ष अति बारिश का जो दौर था उसमें तो हम मान सकते हैं कि उसमें फंगस बहुत ज़्यादा हो सकती है, और ये कई जगह ये प्रमाण भी इसके दिए गए कि ज़्यादा बारिशों की वजह से हुआ। लेकिन इस साल जो ये सूखे की मार है, यानी मॉनसून ब्रेक हो चुका है, बारिशें नहीं आ रही, फिर भी ये बहुत बुरी तरह से फैल रही है, कई जगह माइट भी फैली है। ये दोनों चीज़ें जो है बुरी तरह से बागवानों को परेशान किए हुए हैं।